किसने कहा आपको कि महिलाओं को घर के पास रख दीजिए और पुरुषों को 10 अनुमंडल में भेज दीजिए ऑप्शन दे करके? ये पुरुष अनुमंडल अनुमंडल भ्रमण करेंगे, इनको पता है कि कौन कौन अनुमंडल कहाँ है। तो और शिक्षकों की लाश पर आप लोग ये नियमावली नियमावली का खेल खेल रहे हैं। हम जानते हैं कि हम हाईकोर्ट भी जाएंगे तो हाईकोर्ट हम जाएंगे तो 3 महीने के बाद डेट दे देगा, तब तक आप पोस्टिंग कर दीजिएगा, क्योंकि यहां तो क्या न्याय मिल रहा है वो सबके सामने है। कहां जाएं ये शिक्षक? इन नेताओं को धिक्कार है, शिक्षक लाठी से पीटे जा रहे हैं, रोज मारे जा रहे हैं, शिक्षकों को हर रोज धकेला जा रहा है, कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं है। आपने जो शिक्षकों के पोस्टिंग की नीति जो आपने बनाई है, ये किसने सुझाव दिया आपको कि रात भर जब शिक्षक बेचैन रहेगा तो कल हुए दिन में शिक्षक बहुत अच्छी शिक्षा दे देंगे? यह बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां शिक्षा में सुधार के बदले शिक्षा के विनाश के लिए प्रतिदिन नूतन प्रयोग हो रहे हैं, और जिसको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है वे लोग शिक्षा सुधार कर रहे हैं। नमस्कार मित्रों, आज बिहार के जो तमाम शिक्षक हैं उनके खिलाफ जो बिहार सरकार की साजिश चल रही है, पहले जो सरकार टुकड़े टुकड़े में बांटने का प्रयास कर रही थी उसमें सफलता मिलने के बाद बिहार सरकार जब पूरी तरह से शिक्षकों को तोड़ने में सफल रही, तो अब बिहार सरकार के तमाम शिक्षकों को सजा देने के लिए अब तैयार हो चुकी है। बिहार सरकार नई नई नीतियां, नई नई साजिश लेकर के धरातल पर आ रही है। शिक्षक दिवस है, शिक्षक मजबूर हैं, कारण भी है, शिक्षक स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं। शिक्षक स्वयं जिस तरीके से शिक्षक संगठनों का विरोध करके सक्षमता परीक्षा देने का काम किया, आज उसका खामियाजा उन्हें खुद भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 10-10 अनुमंडल की जो ऑप्शन दी गई है ये पूरे बिहार में शिक्षकों को यहां से वहां, वहां से यहां दौड़ाने का जो साजिश किया गया है, ये 2025 के चुनाव की तैयारी की जा रही है, और 2025 में ताकि शिक्षक एकजुट ना हो और जो नीतीश कुमार जी का वोट है वो खराब ना कर सके। वो पहले से ही जान रहे हैं कि महिलाओं का वोट तो उनके साथ ही है, ऐसे परिस्थिति में महिलाओं को अपना पंचायत छोड़ करके थोड़ा सा उन्हें राहत तो दिया है, लेकिन बिहार के तमाम जो पुरुष शिक्षक हैं उनके लिए जो उनकी नीति बनी है यह कहीं से भी उचित नहीं है। और इस पर बंशीधर बजवासी जी ने बहुत सारी बातें रखी हैं, इन सारी बातों को आप तक हम पहुंचाएंगे, उनकी सारी बातों को आप तक हम जो मुख्य बिंदु है उनके बातों का आप तक रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर शिक्षक नहीं चेते तो उनकी दुर्गति और होगी। उनके साथ जो दुर्व्यवहार अभी हो रहा है, कहीं कहीं रंगदारी मांगी जा रही है, कहीं मर्डर हो जा रहा है, कहीं पीटने का काम किया जा रहा है, शिक्षकों को तंग तबाह किया जा रहा है, तो यह सरकार के स्तर से तो चल ही रहा था, अब आम जनता के स्तर से भी यह कार्यवाही शुरू होगी। क्योंकि आप खुद स्वयं विश्लेषण कीजिएगा, जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं और अपने घर के आसपास में नौकरी कर रहे हैं, तो वहां की आम जनता ये चाह रही है कि आप जितनी जल्द हो यहां से आप चले जाएं, और वहां पर जो दूसरे शिक्षक दूसरे जिला के दूसरे ब्लॉक के या दूसरे अनुमंडल के शिक्षक आएंगे उनके ऊपर दबाव बनाएंगे, उनको मारने पीटने का भी काम किया जाएगा, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ रंगदारी मांगा जाएगा, पता नहीं और क्या क्या होगा। और इस तरीके से समाज के अंदर शिक्षकों के प्रति द्वेषता देखने को मिलेगा, और उस द्वेषता में शिक्षक के खिलाफ वो क्या कुछ कर जाएंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि आप सब हम जानते हैं किस तरीके से आम जनता मुफ्त की छात्रवृत्ति पोशाक पुस्तक के लिए किस तरीके से शिक्षकों पर हावी रहते थे। अब स्थिति यह होगी जब बाहर के शिक्षक होंगे तो उनके ऊपर और ज्यादा दबाव पड़ेगा, और ज्यादा उनके ऊपर वे रंगदारी दिखाएंगे और उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। इन सारे मुद्दों पर बंशीधर बजवासी ने नीतिगत बातें रखी हैं, पॉइंट वाइज बातों को उन्होंने रखा है, आप लोग भी सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। किसी को पता है 10 अनुमंडल का मतलब क्या है? 10 अनुमंडल का मतलब सीधा सीधे आप 5 जिला कह देते, आप कह देते कि 5 जिले का ऑप्शन भरना है। और हमको आप बताइए, हे बिहार के शिक्षा विभाग के भाग्य विधाता रहनुमाओं, आप जरा बताइए कि आप
महिलाओं को घर के पास पोस्टिंग करने के लिए 10 पंचायत चुनना होगा, तो भी 10 पंचायत जब चुनेगी तो 10 पंचायत की सीमा अपने घर के पास होती है, 10 पंचायत का मतलब भी बहुत दूर होता है, तो आप 10 पंचायत चुनवाइएगा कहां फेंकिएगा। पुरुषों को 10 अनुमंडल चुनवा दीजिएगा तो वो तो 8 जिला, जहां पर एक ही अनुमंडल का जिला है तो वो तो गए अपने जिला से बाहर, और दूसरे जो है उनकी भी पोस्टिंग अपने उसके गृह जिला में तो आप करेंगे नहीं, ये तो तय हो गया। और लोग रो रहे हैं, कलप रहे हैं, बिलख रहे हैं, लगातार फोन आ रहा है हमारे पास, उन्हें चिंता है अपने बीमार माँ बाप की। और बताइए कि हर रोज आप नियम कानून बदलते हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, प्रतिदिन आप नियमावली बदलते हैं। आपने जब सक्षमता पास शिक्षकों के लिए जब विशिष्ट शिक्षक नियमावली आपने बनाई, तो आपने कहा कि आवेदन के समय ही ये 3 जिले का ऑप्शन देंगे, और जिनको गृह जिला आवंटित हो गया, तो एक बार गृह जिला आवंटित हो जाने के बाद में आप कौन होते हैं जिला बदलने वाले? गृह जिला आवंटन के बाद आप उसको दूसरे जिला में भेजेंगे, दूसरे अनुमंडल में भेजेंगे, तीसरे प्रमंडल में भेजेंगे, कैसे होगा बताइए? तो आपको ये राइट है हर दिन नियमावली बदलिए? नियमावली को आपने क्या समझा, गुड्डा गुड्डी का खेल है? यह गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। और बिहार के हमारे जितने गुरुजन साथी परेशान हैं, साथियों हम शिक्षक नेतृत्वकर्ताओं के समक्ष बहुत विषम परिस्थिति है, चुनौतीपूर्ण स्थिति है। अगर अभी इस मामले को लेकर और हम लोग सीधे फाइट करें तो जो शिक्षिकाएं हैं वो शिक्षिकाएं कहेंगी कि हम लोग की तो पास में पोस्टिंग होने वाली थी, आप इसको रुकवा दिए। हमारे जो कुछ पुरुष शिक्षक हैं उन लोगों को लगता है कि परीक्षा देकर के हम अब राजकर्मी बनने वाले हैं, तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है कि वो दूर भी जाकर के राजकर्मी बनना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि हमको राजकर्मी बनने से ये रोक रहे हैं। कुछ लोगों के साथ में पारिवारिक परिस्थिति ऐसी है कि घर छोड़कर के वो जा नहीं सकते हैं। बताइए इस विषम परिस्थिति में कैसे कोई लड़ाई लड़ेगा, हम किसकी लड़ाई लड़ें? एक के लिए लड़ेंगे तो 3 लोग नाराज होंगे, यह लड़ाई बहुत कठिन हो गई है। सारे शिक्षक नेतृत्वकर्ता इसी कारण खामोश है, और आज इस दिन के लिए हम सभी लोग जिम्मेवार हैं। आज जिस तरह से बनाया गया, आप बताइए कि पति पत्नी शिक्षक होना गुनाह हो गया? आप पोस्टिंग के लिए तो आप एक ही बार आवेदन करवाएंगे, तो महिलाओं के लिए आपने कहा है कि वह जहां चाहेंगी अपने घर के पास वो रह लेंगी, तो ऑप्शन एक ही साथ में, जो पति पत्नी दोनों टीचर है तो पत्नी भी ऑप्शन तलाशेगी या पुरुष भी ऑप्शन तलाशेगा, तो पुरुष तो दूसरे अनुमंडल में जाएगा, दूसरे जिला में जाएगा, और पत्नी फिर अपने ही घर के आसपास रह जाएगी, तो ये दोनों एक जगह तो रहेंगे नहीं। तो आपको जो पति पत्नी शिक्षक है उससे क्या दुश्मनी है? आप लोग क्या अपने पति पत्नी नहीं रहते हैं साथ में, अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं? कहां से यह सब आप शिक्षा सुधार की नियमावली आप बना रहे हैं? यह शिक्षा सुधार होगा इससे? बिहार में एक भी शिक्षक सुरक्षित नहीं है, और इतने लोगों को जब आप अनुमंडल और प्रमंडल बाहर करिएगा, रखिएगा कहां? 1,87,000 लोग पास किए और बाद में फिर लोगों ने परीक्षा दे दी है, उसका रिजल्ट आना भी बाकी है। 2.5 लाख से ज्यादा लोग होंगे, ये 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को किस पंचायत में आप रख लीजिएगा? कहां रहेंगे ये लोग? और जहां रहेंगे वहां पर रंगदारी वसूली जाएगी इनसे? ये शिक्षा में आप सुधार कर रहे हैं? मैं आपको चुनौती दे रहा हूं बिहार के शिक्षकों की ओर से, आप तुरंत इसको वापस लीजिए। अगर आपने शिक्षकों को स्वैच्छिक पोस्टिंग नहीं दी तो यह राज्यकर्मी का तमगा गले का घेघ बनने जा रहा है, और गले का घेघ लेकर के लोग आपको शांति सुकून से रहने नहीं देंगे। और आपकी साजिश हम यह जान रहे हैं कि आप हमारे शिक्षकों को इतना दूर इधर उधर फेंकना चाहते हैं क्योंकि आपका चुनाव प्रभावित नहीं हो, तो आप जान लीजिए हम पूरे बिहार में जहां रहेंगे वहीं आपके चुनाव को प्रभावित कर देंगे। आप जनवरी में पोस्टिंग करने जा रहे हैं ना, नए साल में आप नई पोस्टिंग करेंगे, उसके पहले हम चुनाव जीत करके आ रहे हैं। बिहार के सारे शिक्षक लगे हैं इस चुनाव को जीतने के लिए, और इस चुनाव को हम जीत गए तो अब जान लीजिए चलना मुश्किल कर देंगे पूरे बिहार में, निकलना मुश्किल कर देंगे। बिहार जो है केवल आप ही का नहीं है, बिहार के आबो हवा संसाधन सुख शांति पर सभी का अधिकार है, समान रूप से अधिकार है। आप बिहार के शिक्षकों को इस तरह से आप मत कुरेदिए, मत छेड़िए, ये आप बिहार के शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं। स्वैच्छिक पोस्टिंग आपको देनी होगी, और अगर स्वैच्छिक पोस्टिंग आप नहीं दीजिएगा तो आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार भी नहीं है। जिस दिन शिक्षकों ने हमें यह पावर दे दिया, उस दिन मुख्यमंत्री जी आपके अन्य मार्ग में मैं जाकर आपसे सवाल पूछूंगा, और बिहार के 6 लाख शिक्षकों को हम पटना में गीता और कुरान की शपथ दिलाकर खड़ा कर देंगे। याद रखिएगा आप आग से खेल रहे हैं और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम शांति सुकून की जिंदगी मांग रहे हैं। आपने हिटलर के फॉर्मूले को अपना लिया है कि आपने यह तय कर लिया है कि इतना परेशान कर देंगे कि कोई जिंदगी की बस भीख मांगेगा और इसी को समझेगा कि हाँ राजा हमको जीने के लिए लाइफ छोड़ दिया, यही काफी है। आप शिक्षकों को परेशान परेशान करके और आप राज्यकर्मी बना रहे हैं, ये कौन सा राज्यकर्मी है भाई? शिक्षकों को उनके परिवार के साथ सुख शांति से जीने दीजिए।